नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। आज खर्चा पानी में बात करेंगे पेट्रोल डीजल पर लटकी महंगाई की तलवार के बीच रूस से आने वाले सस्ते क्रूड ऑयल की। रूसी तेल पर अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध के बाद रूस ने भारत को अपने तेल पर भारी डिस्काउंट ऑफर किया है। क्या क्या अड़चने हैं इस डील में? क्या रूसी सप्लाई इतनी बड़ी है कि वह हम भारतीयों को कोई राहत दे पाएगी? दूसरा मामला भारत में विदेशी पेमेंट कार्ड्स का है। रूस में वीजा और मास्टर कार्ड जैसे अमेरिकी पेमेंट कार्ड्स पर रोक के बाद सवाल उठने लगे हैं कि भारतीय पेमेंट बाजार को कब्जाए बैठे इन विदेशी कार्ड्स पर क्या हमारी निर्भरता कम हो सकेगी? क्या हमारा अपना रुपे कार्ड भी कभी वीजा और मास्टर कार्ड की जगह ले सकेगा? इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज होंगे हमारे साथ डॉक्टर शरद कोहली। लेकिन सबसे पहले आज की आर्थिक सुर्खियां। देश की सबसे बड़ी कॉरपोरेट लड़ाइयों में से एक रिलायंस फ्यूचर ग्रुप और अमेज़न के बीच कानूनी झगड़ा सुलझने के कगार पर जाकर अचानक बिगड़ गया। आज सुप्रीम कोर्ट में अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप के वकीलों ने बताया कि दोनों समूहों के बीच अदालत के बाहर विवाद सुलझाने की कोशिश फेल हो गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की बुधवार को सुनवाई होगी। रिलायंस ग्रुप ने हाल ही में फ्यूचर रिटेल के 947 स्टोर्स की सब लीज समाप्त कर दी थी और उन्हें अपने नियंत्रण में ले लिया था। ये भी कहा जा रहा था कि रिलायंस जल्द ही बिग बाजार का नाम बदलकर नया रिटेल स्टोर ब्रांड सामने लाएगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि करीब 14,349 करोड़ के एबीजी शिपयार्ड बैंक फ्रॉड में किसी सरकारी बैंक का कोई कर्मचारी शामिल नहीं पाया गया है। देश का सबसे बड़ा बैंकिंग फ्रॉड करार दिए गए इस मामले पर वित्त मंत्री ने मंगलवार को राज्यसभा को जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले में सभी सार्वजनिक बैंक्स में स्टाफ अकाउंटेबिलिटी की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और अभी तक कोई भी कर्मचारी इस फ्रॉड में शामिल नहीं पाया गया। इस मामले में सीबीआई ने पिछले महीने कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ केस दर्ज किया था। कंपनी पर 27 बैंक्स के एक कंसोर्टियम को कम से कम 14,349 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप था। अब आते हैं आज के बड़े मुद्दे पर। रूसी तेल पर पश्चिमी देशों की पाबंदी के बाद रूस ने भारत को बंपर डिस्काउंट पर तेल देने की पेशकश की है। हालांकि भारत अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल आयात करता है और रूस से अभी तक 2-3% तेल ही आता रहा है। कच्चे तेल की महंगाई के बीच इस किफायती सप्लाई से हमारी जरूरतों और कीमतों पर क्या असर पड़ेगा? क्या रूस पर लगे वित्तीय प्रतिबंधों के बीच रुपए और रूबल में ट्रांजैक्शन संभव हो सकेगा? और अगर ये डील अमेरिका जैसे देशों को खटकी तो हमारे लिए क्या दिक्कतें होंगी? इन सभी मुद्दों पर हमने बात की अपने एक्सपर्ट से, जानते हैं उन्होंने क्या कहा। रशिया से अभी हम जो पूरी हमारी ऑयल की रिक्वायरमेंट है उसका 2-3% हम लेते हैं। हमारी ज्यादा जो ऑयल की रिक्वायरमेंट है वो सऊदी अरेबिया और ओपेक कंट्रीज से आती है। रशिया से हमारी कुल 2-3% आती है। तो जब से रशिया पर प्रतिबंध लगे, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे अमेरिका के कि अब हम इनसे ऑयल नहीं लेंगे, तो रशिया का ऑयल और नेचुरल गैस ब्रेड एंड बटर है उनके लिए। उनकी जो ज्यादातर कमाई है वो उससे होती है। जो भी देश ऑयल प्रोड्यूस करता है उसका वो ब्रेड एंड बटर बन जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सप्लाई होती है। तो अब ये प्रतिबंध लगने के बाद रशिया ने भारत को अप्रोच किया कि हम आपको सस्ते रेट्स पर क्रूड ऑयल देने के लिए तैयार हैं। ये एक तरह से अमेरिका को की सैंक्शंस की काट उन्होंने ढूंढी कि ठीक है तुम मत लो, हम बाकी की दुनिया में सप्लाई करेंगे। अब यहां भारत के लिए कोई मना नहीं है लेना, पहले हमें यह देखना है कि भारत क्या रशिया से, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं क्या भारत भी रशिया से अगर लेगा तो क्या उन सैंक्शंस का भारत पर भी असर पड़ेगा, भारत अंग्रेजी में हम बोलते हैं क्रॉस फायर में फंस जाएगा। जो रशिया और अमेरिका के बीच में इस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा है, हालांकि यूक्रेन के साथ तो प्रॉपर मिलिट्री वॉर चल रहा है, पर अमेरिका के साथ बहुत सख्त कोल्ड वॉर चल रहा है जिसमें 5,000 सैंक्शंस अब तक लगाई जा चुकी है। मैं गिनती कर रहा था, इतनी ज्यादा सैंक्शंस हो चुकी है। तो भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। भारत ने यूएन जनरल असेंबली में वोट करने से 2-3 बार एब्सटेन किया है और भारत ने अपना न्यूट्रल स्टैंस दिया है कि हम, भारत को जब कहा गया कि आप जो भर्त्सना करिए, क्रिटिसिज्म करिए, आप जो यूएन जनरल असेंबली में प्रस्ताव पास किया गया, तो भारत ने उस पर वोट नहीं किया। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि भारत क्या रशिया का साथ दे रहा है इसमें, ऐसा नहीं है। भारत का एक न्यूट्रल स्टैंस है। भारत रशिया के बहुत पुराने रिलेशन है, आज से करीब 60-70 साल पहले ये रिलेशन जाते हैं। भारत रशिया से डिफेंस का बहुत सारा सामान मिलता है और इस बात को अमेरिका भी बाखूबी समझता है कि भारत के रशिया से बहुत पुराने संबंध है। और अगर एंटनी ब्लिंकन साहब जो वहां के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, जब उनको मालूम पड़ा कि भारत ने रशिया के खिलाफ वोट नहीं किया, भारत ने वोट ही नहीं किया,
तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, इट्स ओके। इट्स ओके मतलब ठीक है, हम समझते हैं कि भारत और रशिया के पुराने संबंध है और वो हमारी वजह से वो संबंध तोड़ने वाला नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जब तक अमेरिका और नेटो के देश ऐसा कोई डायरेक्टिव नहीं दे देते, ऐसी कोई एडवाइजरी नहीं दे सकते कि कोई भी देश, हम तो नहीं लेंगे, वो तो नहीं ले रहे हैं, उन्होंने तो घोषणा कर दी है कि बाकी भी कोई भी देश नहीं लेगा, अगर वो देश लेगा तो हम उनसे भी अपनी डीलिंग बंद कर देंगे, ऐसा कोई डायरेक्टिव अभी तक नहीं आया है। तो इसको देखते हुए मैं समझता हूं भारत के सामने रास्ता खुला है कि वो रशिया से सस्ती दरों पर अपना ऑयल का जरूरतें पूरी करे। हर मैं लल्लन टॉप के जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको एक बहुत रोचक जानकारी देना चाहूंगा जिससे वो इस पूरे परिपेक्ष को समझ सकते हैं। प्रति एक डॉलर क्रूड ऑयल का रेट बढ़ने से भारत की करीब 80-85% जरूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। हर एक डॉलर बढ़ने से भारत के जो फिस्कल लोड है, जिसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, राजकोषीय बिल कहते हैं, 10,000 करोड़ का फर्क पड़ता है। इसका मतलब अगर $5 क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो 50,000 करोड़ लगभग हमको ज्यादा देना पड़ता है, और अगर $50 बढ़ती है, आप समझिए, जबकि एक दफे पिछले हफ्ते शुरू में ही $140 भी टच कर गई थी, आप समझिए अगर $50 बढ़ती है तो 5,00,000 करोड़ का हमारे ऊपर लोड पड़ता है। जिस देश का बजट ही 35-40 लाख करोड़ का पूरा सालाना हो, आप समझ सकते हैं कि 5,00,000 करोड़ क्या वहां पर मायने रखता है। तो मुझे लगता है कि भारत को के सामने ये जो ऑफर आई है, भारत इस पे बिल्कुल विचार करेगा और सस्ती दरों पर मिलेगा। दूसरा ये है कि अभी तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार US डॉलर्स में होता था, अभी तक भारत जो तेल लेता था रशिया से, जो भी लेता था, उसकी पेमेंट US डॉलर्स में करी जाती थी। अब क्योंकि रशिया में स्विफ्ट को रशिया में बहुत सारे बैंकों को बाहर कर दिया गया है, तो अब भारत को ये तेल रूबल में लेना पड़ेगा, मतलब यहां से रुपया जाएगा और रूबल और रुपए के बीच में डील होगी। और मुझे नहीं लगता इसमें कोई एतराज है, क्योंकि देखिए फर्क क्या होता है कि जब आप रूबल में डील करते हैं तो आपके पास विदेशी मुद्रा रूबल में आपको देना पड़ता है, आप एक्सपोर्ट करते हैं तो रूबल में पैसा आता है, इंपोर्ट करते हैं तो रुपए में आप पैसा दे देते हैं। अब जब रुपए में पैसा देते हैं तो रशिया को उसको रुपए में रखना पड़ता है, इसका मतलब उस फॉरेन करेंसी का प्रयोग रशिया भारत से कुछ और इंपोर्ट करने में प्रयोग कर सकता है। तो इसको रशिया रूबल ट्रेड लिया जाता, अभी तक डॉलर अंतर्राष्ट्रीय करेंसी है, पर जब से रशिया को इसमें से बाहर करा गया है, भारत के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स, जब ये लड़ाई छिड़ी 24 फरवरी को, उस समय भारत के एक्सपोर्टर्स का 3700 करोड़ रुपया, मतलब $500 मिलियन रशिया से पेमेंट्स कलेक्ट करना बाकी था। उन सब ने भारत सरकार के पास ये दरख्वास्त करी के साथ, हम तो फंस गए, हमने तो एक्सपोर्ट किया था, अब ये पेमेंट तो वहां से कैसे आएगी। तो भारत सरकार में इस पर डिस्कशन चल रहा है कि भारत के किसी ऐसे बैंक को जो कि स्विफ्ट का हिस्सा नहीं है, जिससे ये पेमेंट रूबल में यहां पर आ सके। तो मुझे लग रहा है कि इस ऑफर को भारत को स्वीकार करना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, और कंसिडर किया भी जा रहा है, क्योंकि अगर ये सस्ता मिलता है, मैंने आपको बताया कि $1 सस्ता होने का मतलब है भारत के राजकोषीय घाटे की या राजकोषीय बिल का 10,000 करोड़ रुपया बचता है। तो अगर मान लीजिए रशिया भारत को ये $10 भी सस्ता देता है, तो भारत का 1,00,000 करोड़ रुपया, अगर हम पूरी की पूरी एनुअल बिलिंग की बात करें, वो बचता है। और भारत का ये बिल जो कि $100 बिलियन साल का क्रॉस कर चुका है क्रूड ऑयल इंपोर्ट का, अगले साल माना जा रहा है कि ये $50 बिलियन और बढ़ सकता है। तो मैं समझता हूं कि भारत के सामने, अगर भारत को इस वित्तीय संकट से बचना है, तो रशिया की इस ऑफर को स्वीकार करना चाहिए, और तब तक ये स्वीकार करी जा सकती है जब तक रशिया और नेटो के देश ऐसा कोई डायरेक्टिव एडवाइजरी नहीं पास कर देते कि अब हम ऐसे किसी देश से भी डील नहीं करेंगे जो कि रशिया से ऑयल लेगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मैं समझता हूं भारत के सामने एक कठिन परिस्थिति खड़ी हो जाएगी, क्योंकि भारत के रिलेशन अमेरिका से और नेटो से भी उतने ही अच्छे हैं जितने रशिया से। तो ये कुल मिला के इसका परिपेक्ष नजर आता है। हालांकि क्रूड के दाम पिछले दिनों की रिकॉर्ड तेजी के मुकाबले कुछ नरम पड़े हैं, लेकिन अब भी $100 प्रति बैरल के ऊपर ही है। जैसी आशंकाएं थी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में, वैसी बढ़ोतरी अब तक नहीं हुई है। दूसरी तरफ एक बार फिर महंगाई सिर उठाने लगी है। ऐसे में रूस से सप्लाई हुई तो सरकारी खजाने और हमारी जेब पर क्या असर होगा, और ये डील खटाई में पड़ गई तो आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम क्या रंग दिखाएंगे, जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या कहा। क्रूड ऑयल सबको जैसे अंदेशा है, जिस दिन से ये कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ 24 फरवरी के बाद से, तो सबसे बड़ा भारत पे जो असर था इसका, वो हम महंगाई पे असर की अंदेशा था। और महंगाई हम देख रहे हैं कि अभी जो
इन्फ्लेशन के आंकड़े निकल के आए हैं 6.07% जो कि अभी मंथली फिगर रिलीज हुई है, तो ये अभी भी 6% से ऊपर बना हुआ है। और अभी हम ये इस बात पे ध्यान दें कि जो इलेक्शन से पहले जो ऑयल के प्राइसेस बढ़ने रुके थे वो आज भी उतने सरके नहीं है। इसका मतलब अभी जो क्रूड ऑयल की जो कीमतें बढ़ी हैं उसका असर ग्राहकों पर नहीं डाला गया है। तो अब पर ये बहुत ज्यादा दिन तक, अगर हम इसको भारत की पॉलिसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सरकार की थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो बहुत ज्यादा दिन तक आप इसको रोक नहीं पाएंगे। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की अंडर रिकवरी हो रही है, उधर भारत सरकार एक्साइज या वैट घटाएगी भी तो कितना घटाएगी, कुछ ना कुछ तो लोगों को इसको अपनी जेब पर हिट लेना ही पड़ेगा। और जब ये हिट लेना पड़ेगा तो ये जो 6% से ऊपर महंगाई बढ़ी हुई है, जिसमें खाने का सामान और आपके रोजमर्रा की जरूरतें वो सब इसमें कवर होती हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर ये महंगाई यहां से और आगे बढ़ती है तो आम आदमी का बजट बिगड़ना लगभग तय है। तो मुझे लग रहा है कि पेट्रोल और डीजल, ना केवल हम पेट्रोल पंप पर जाकर ज्यादा कीमतें देंगे बल्कि जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, फ्रेट का असर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। कैस्केडिंग का मतलब है कि सब सामान पर उसका असर होगा। तो मुझे लग रहा है लोगों को अपनी कमर कस के तैयार रहना चाहिए कि महंगाई, और अभी हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर ले लीजिए, एडिबल ऑयल ले लीजिए जो रशिया से आता था, जिसके बारे में हमने पहले ललन टॉप पे खर्चा पानी में बात भी किया है। तो मुझे लग रहा है कि उसका सबका असर आपको खाने पीने के सामान और बाकी चीजों पर दिखेगा। और हम अगर आप महंगाई के आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे जो आए हैं, तो आप देखेंगे कि गांव में इसका और ज्यादा असर हो रहा है, बल्कि शहरों में इतना असर नहीं है, पर गांव में क्योंकि वहां ट्रांसपोर्टेशन फ्रेट कॉस्ट ज्यादा होती है, वहां पर ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल होता है, स्टोर करना मुश्किल होता है, तो वहां पर इसका महंगाई का और असर दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि रशिया से अगर हमें सस्ता मिलता है तो उसका स्वागत है, कुछ महंगाई का असर हमारे ऊपर कम होगा, और इसीलिए भारत सरकार इसको कंसिडर कर रही है। पर अगर ये डील नहीं हो पाती तो महंगाई का और ज्यादा असर हमें देखने को आने वाले हफ्तों में मिल सकता है। पेमेंट कार्ड्स, वीजा, मास्टर कार्ड के रूस में ऑपरेशंस बंद करने के बाद भारत में ये बहस शुरू हो गई है कि क्या हमें भी इन अमेरिकी कार्ड्स पर अपनी निर्भरता कम करनी चाहिए। भारतीय कार्ड पेमेंट बाजार में आज भी वीजा और मास्टर कार्ड की हिस्सेदारी करीब 80% है। भारत सरकार के तमाम समर्थन के बावजूद रुपए की हिस्सेदारी इन कार्ड्स के मुकाबले कहीं भी नहीं ठहरती। सवाल उठाए जा रहे हैं कि कल को भारत को रूस जैसे हालात का सामना करना पड़ा तो क्या इन कार्ड्स पर इतनी निर्भरता हमें किसी तरह की मुश्किल में डाल सकती है, या फिर क्या रुपए को इतना सक्षम और लोकप्रिय बनाया जा सकता है कि वह इन कार्ड्स को भारतीय बाजार से बेदखल ही कर दे। जानते हैं एक्सपर्ट ने क्या कहा। भारत में जब रुपए लॉन्च किया गया था तो इसी मंशा से लॉन्च किया गया था कि ये जो मास्टर और वीजा अंतरराष्ट्रीय कंपनीज हैं, इन पर हमारी निर्भरता कम हो सकती है। अगर जो कल रशिया में हुआ, अगर वो परिस्थिति भारत में किसी कारण से, मैं युद्ध की परिस्थिति नहीं बात कर रहा, और आप देखें तो इसका पीछे एक घटना घट भी चुकी है, जब मास्टर और वीजा कार्ड ने ये प्रश्न उठा था कि वो जो डेटा है यहाँ के कार्ड होल्डर्स का वो कहाँ रखते हैं, और जब बात आई कि वो डेटा को भारत में नहीं रखते, किसी विदेशी सर्वर में रखते हैं, तो कुछ समय तक मास्टर और वीजा के लिए नए ग्राहक बनाने पर प्रतिबंध भी लगा था, अगर लोगों को याद होगा तो। फिर उन्होंने फाइनली जवाब दिया कि हम तो भारत में रखते हैं, वीजा ने यह सिद्ध किया कि हम भारत में लगते हैं, तो दोबारा उनको कार्ड इशू करने की इजाजत दे दी गई। पर अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि भारत से मास्टर और वीजा को यहां से जाना पड़ता है या इस पे रोक लग जाती है, तो भारतीय जो खर्च करने का तरीका है, जो प्लास्टिक कार्ड को इस्तेमाल करने की प्रणाली है, या जिसको हम प्लास्टिक इकोनॉमी कहते हैं, वो इकोनॉमी कैसे चलेगी, ये प्रश्न उठने लगे। और यही रुपए की बात आई कि क्या ये जो रुपए सिस्टम है ये मास्टर और वीजा की जगह ले सकता है। तो इसको कुछ आंकड़ों से अगर हम समझें, तो मैंने एक जनवरी महीने का आप उदाहरण लीजिए, जनवरी के महीने में जो रुपए से खर्च किया गया, या यू कहें कि मास्टर और वीजा से जो खर्च किया गया, वो करीब करीब $11 बिलियन था। $11 बिलियon करीब 80-85 हजार करोड़ रुपए बन जाते हैं। इसके मुकाबले जो रुपए से खर्च किया गया वो इससे 50% से भी कम था। अब देखते हैं कि रुपए असल में क्या चीज है। रुपए ज्यादातर हमें दिखाई देता है, खासकर जहां ये प्रचलित कब हुआ, जब ये जनधन अकाउंट खुलने शुरू हुए भारत में, और इस समय अगर आप जनधन अकाउंट्स या रुपए कार्ड की गिनती लें तो गिनती में तो बहुत ज्यादा है, 60 करोड़ के करीब है। 60 करोड़ कोई छोटी गिनती नहीं होती है, 60 करोड़ रुपए होने के बावजूद भी, क्योंकि ये जनधन अकाउंट से ज्यादा लिंक्ड है, तो जो इसको खर्च करने वाले लोग हैं उनकी जो प्रोपेंसिटी टू स्पेंड है वो बहुत कम है।
ऐसा माना जाता है कि मुश्किल से, हालांकि 1-2% लोगों के पास ही क्रेडिट कार्ड है, पर क्रेडिट कार्ड खर्च करने वाले, उनकी जो खर्च करने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, और ये 60 करोड़ होने के बाद भी इनकी खर्च करने की क्षमता बहुत कम है। अभी मैंने आपको आंकड़ों से ये सिद्ध करने की कोशिश करी। दूसरा, आप ये देखें कि रुपए ज्यादातर डेबिट कार्ड की तरह भी यूज हो रहा है। क्रेडिट कार्ड के लिए आज भी मास्टर और वीजा पे हमारी निर्भरता बहुत ज्यादा है। तो मुझे लग रहा है कि रुपए को अंतरराष्ट्रीय धीरे धीरे हमें बनाना पड़ेगा, क्योंकि और उसका उदाहरण अगर आप ले तो दुबई, जहां की भारत के बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं, कामकाज के लिए जाते हैं, 20 लाख लोग रोज हर साल ऐसा माना जाता है कि दुबई भारत से जाते हैं। तो वहां पर दुबई में एक मशरिक बैंक है, जो लोग दुबई गए उन्होंने वहां पर बहुत जगह देखा होगा, मशरिक नाम का बैंक है। उससे जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, जो इस पूरे की पूरी प्रक्रिया को कंट्रोल करती है, उसने टाई अप किया है कि वो भारतीय अब जाके जब UAE में स्पेंड करेंगे तो वहां पर इस रुपए की स्वीकृति बन जाए, और उस पर काम चल रहा है। ऐसे ही जापान में एक JCB है, एक डिस्कवर फाइनेंशियल है, जो पिछले 10 साल से हमारा टाई अप चल रहा है। तो मुझे लग रहा है रुपए ऐसे कार्ड जैसे जैसे अंतरराष्ट्रीय होता जाएगा, देखिए आसान तरीका यह है कि मास्टर और वीजा आज आप दुनिया में जहां वहां चलता है, उसकी वजह क्या है, क्योंकि मास्टर और वीजा जो कंपनी इनको चलाती है, उन कंपनीज ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हर देश में जाके उसके फाइनेंशियल सिस्टम से टाई अप कर लिया है कि साहब ये अब तो, इसलिए आप जहां भी जाते हैं मास्टर और वीजा बड़े आसानी से आप स्वाइप कर लेते हैं। यही अगर हमारा जो रुपए सिस्टम है अंतरराष्ट्रीय टाई अप धीरे धीरे करके कर ले, तो मुझे लग रहा है कि रुपए मास्टर और वीजा की आसानी से जगह ले सकता है, और यही एक तरीका है इसमें हमारी आत्मनिर्भरता लाने का। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग मास्टर और वीजा इस्तेमाल करते हैं उनको ना केवल ये खतरा है कि उनका डेटा भारत से बाहर कहीं स्टोर किया जा रहा है, डेटा की सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि ये भी खतरा है कि मास्टर और वीजा पे जो उनकी निर्भरता है आज, वो निर्भरता को समाप्त करने के लिए उनको रुपए पे जाना चाहिए। बस साथ साथ भारत सरकार को रुपए को अंतरराष्ट्रीय करना चाहिए। जैसे जैसे इसके टाई अप्स विदेशों में बढ़ेंगे, वैसे वैसे रुपए की जो प्रचलन है वो आपको बढ़ता दिखेगा, रुपए और पॉपुलर होता दिखेगा, और भारत में भी लोग रुपए को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने लगेंगे और मास्टर और वीजा से हटाकर। और फिलहाल मुझे लग रहा है कि इस रशिया क्राइसिस से हमें ये सीखना चाहिए कि अगर कल को ऐसी परिस्थिति बनती है कि हमारे भारत से ये चला जाता है, तो हमें भी इसकी तैयारी करके रखनी चाहिए। और मुझे लग रहा है जो आत्मनिर्भर अभियान है, जो प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के दौरान जिसकी घोषणा की थी, ये कार्ड की प्रणाली उस आत्मनिर्भर भारत अभियान का एक हिस्सा होनी चाहिए कि हम भी अपने रुपए को बड़ी शान से ना केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर जाके निकाल सके, और निकाल के उसका इस्तेमाल कर सके, उसकी वहां स्वीकृति हो, और बकायदा उससे वहां सामान खरीद के आप पेमेंट कर सके। हाल के दिनों में कार्ड्स के मुकाबले UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स का चलन बढ़ा है, क्या इस दिशा में किसी तरह के सरकारी प्रोत्साहन या पॉलिसी से हम इन कार्ड्स पर निर्भरता घटा सकते हैं, या ऐसा कोई पेमेंट इकोसिस्टम बना सकते हैं जिससे ये विदेशी कंपनियां आगे कोई चुनौती पेश ना कर सके? जो UPI और जितने भी डिजिटल पेमेंट्स के माध्यम है, बहुत कम लोग इसको जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड बहुत सालों से चलते हैं, इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड रखना एक स्टेटस सिंबल भी माना जाता है। पर अब आप देखें कि हाल के अगर आप पिछले 3-4 साल देखें तो डिजिटल पेमेंट्स उनकी जगह धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैंने जो अभी मशरिक बैंक का आपको दृष्टांत दिया, तो मशरिक बैंक से UPI पर भी बात चल रही है कि हमें UPI का वहां पर प्लेटफॉर्म दे दिया जाए कि हमें रुपए की भी जरूरत ना पड़े। आप जैसे भारत में पेमेंट करते हैं UPI से, जो जैसे भीम ऐप है या और भी बहुत सारे तरीके आजकल भारत के गांव में भी जिसका प्रयोग किया जाता है, वॉलेट्स हैं। और आपको एक आंकड़ा मैं दूं तो हैरानी होगी कि क्रेडिट कार्ड्स के कंपैरिजन में जो डिजिटल पेमेंट्स हैं, डिजिटल पेमेंट्स उनसे 5 गुना ज्यादा हो रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना केवल भारत की GDP में उनका योगदान डिजिटल पेमेंट्स का बहुत ज्यादा है, और इसकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रही है। मतलब ये इस रफ्तार से डिजिटल पेमेंट्स, और इतने लोगों के पास आजकल विकल्प हैं, आप ऑनलाइन बैंकिंग वगैरह तो था ही था, उसके अलावा आप डिजिटल, आपके पास वॉलेट्स हैं, आपके पास UPI है, बहुत सारे अब तो कितने सारे ऐप्स हैं जिनके माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। और इनको अब इनमें थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू, लोगों को चिंता रहती है कि कहीं हमारा पैसा हमारे बैंक से निकल ना जाए, कुछ केस सुनने को भी मिले। पर जैसे जैसे इनमें ये कमियां दिख रही हैं, उनको हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में
ऐसा मेरा मानना है एक अर्थशास्त्री और वित्तीय विशेषज्ञ होने के नाते कि आने वाले समय में इस प्लास्टिक इकोनॉमी की जगह डिजिटल इकोनॉमी लेने वाली है। ये जो प्लास्टिक पेमेंट सिस्टम है, डिजिटल पेमेंट इस पर हावी हो जाएगा। और हो सकता है कि हमारी, हमने जो मास्टर और वीजा की चर्चा करी, हो सकता है कि इसकी आगे से आपको वैसे ही जरूरत ना पड़े। आपके पास ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा जो यूपीआई सिस्टम चलाया जाता है, वही इतना दुनिया भर में प्रचलित हो जाए कि आपको ये रुपए को भी पीछे छोड़ के, मास्टर वीजा को पीछे छोड़ के, आपके हाथ में ये डिजिटल पेमेंट की पावर आ जाए। उसके आने के बाद मुझे लग रहा है ये जो मास्टर और वीजा का अंदेशा हमने व्यक्त किया है यहाँ पर, वो अंदेशा भी अपने आप दूर हो जाएगा। और ये डिजिटल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में आप कार्ड की जगह इन पेमेंट्स का ज्यादा प्रयोग करेंगे। और वो हमें देखने को मिला है, 5 गुना इसका बढ़ना, ये साफ इस बात का संकेत दे रहा है कि आप डिजिटल पेमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। कार्ड भी अब एक पुराना माध्यम बनता जा रहा है, जैसे पहले चेक लिखना पुराना हुआ, बैंकों में जाके पैसा निकालना पुराना हुआ, एटीएम पुराना होता जा रहा है। अब मुझे लग रहा है अगली बारी इन क्रेडिट कार्ड्स की और इन प्लास्टिक के कार्ड्स की है, जिनकी जगह डिजिटल पेमेंट सिस्टम बहुत जल्द और बहुत स्पीड से लेने वाला है। कार्ड्स पेमेंट में एक इशू चार्जेस का भी रहा है। हालांकि नोटबंदी के बाद से कार्ड पेमेंट के एमडीआर में काफी कटौती की गई थी, लेकिन अब भी डिजिटल पेमेंट्स के मुकाबले कार्ड्स के चार्जेस ज्यादा हैं। क्या सरकार चार्जेस के मोर्चे पर डिजिटल पेमेंट्स को किसी तरह का प्रोत्साहन देकर या किफायती बनाकर भी कोई बड़ा बदलाव ला सकती है? जी हाँ, क्रेडिट कार्ड चार्जेस के लिए मशहूर है। अगर हम मास्टर वीजा, अमेरिकन एक्सप्रेस, डाइनर्स, भारत में ये 3-4 कार्ड मशहूर हैं, सब अंतरराष्ट्रीय हैं। और अगर आप इनके चार्जेस देखें तो आपको, आपका ना केवल सालाना मेंबरशिप चार्ज लगता है, बल्कि अगर आप पेमेंट डिले करते हैं तो अमेरिकन एक्सप्रेस जैसी कंपनी बहुत भारी भरकम मंथली चार्ज लगाती है, और मास्टर वीजा भी। और ये चार्ज 1.5 से 2% प्रति माह, इसके अलावा फाइनेंस चार्जेस भी लगते हैं। तो मुझे लग रहा है क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले इस बात को जानते हैं कि अगर वो रोल ओवर करते हैं तो कितना भारी उनको उनको फाइनेंस चार्ज देना पड़ता है। जबकि अगर आप डिजिटल पेमेंट्स की बात करें तो वहां पर एमडीआर बिल्कुल घटाए गए, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके मुकाबले अगर हम उसको कंपेयर करें तो वो तो डेसिमल्स में आ जाते हैं, वो कुछ परसेंटेज 1% से भी कम के होते हैं, कहीं कहीं तो वो 0.1-0.2% होते हैं। और ये तो रही ग्राहकों की बात, अगर हम मर्चेंट के ऊपर जाएं, मतलब जो लोग, जिन लोगों से आप सामान खरीद रहे हैं, तो कितने भारी चार्जेस एक मर्चेंट को देने पड़ते हैं। इसीलिए जब आप किसी दुकान पर जाते हैं तो आप देखते होंगे कि अमेरिकन एक्सप्रेस की स्वीकृति कम होती है, मास्टर वीजा की ज्यादा होती है, क्योंकि उसके चार्जेस मर्चेंट के ऊपर कम होते हैं। तो मर्चेंट्स को भी, ग्राहकों को भी, दोनों को फायदा होने वाला है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के चार्जेस और डिजिटल पेमेंट के चार्जेस का अगर हम कंपैरिजन करें तो क्रेडिट कार्ड के चार्जेस कहीं ज्यादा है डिजिटल के मुकाबले। तो मुझे लग रहा है इस डिजिटल इकोनॉमी के बढ़ावा देने से, इसके बढ़ने से लोगों के ऊपर जो चार्जेस का भार है वो भी कम होने वाला है, दोनों पे, ग्राहकों पर भी और मर्चेंट्स पर। और अब चलते चलते शेयर मार्केट अपडेट्स। शेयर बाजारों में पिछले 5 दिनों की तेजी आज थम गई। सेंसेक्स करीब 709 पॉइंट्स गिरकर 55,776 पर बंद हुआ। निफ्टी भी करीब 208 पॉइंट्स गिरावट के साथ 16,663 पर बंद हुआ। आईडी और बैंकिंग शेयरों में बिकवाली ज्यादा हुई। इस गिरावट को कल अमेरिका में ब्याज दरों पर होने वाली फेडरल रिजर्व की बैठक से जोड़कर देखा जा रहा है। पेटीएम के शेयर आज भी करीब 12% टूटे। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की हालिया पाबंदी के बाद आज एक और बुरी खबर आई कि इसके बड़े स्टेक होल्डर्स में से एक सॉफ्ट बैंक अपने एग्जीक्यूटिव्स को पेटीएम बोर्ड से वापस बुलाएगा। यह स्टॉक अपने आईपीओ मूल्य के करीब 1/4 होने की ओर बढ़ रहा है और कई ब्रोकरेज हाउसेज ने इसके और गिरने का अनुमान जताया है। तो ये था आज का खर्चा पानी। आपके लिए आज का बुलेटिन लिखा था हमारे साथी प्रमोद ने। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।